आप सभी लोग जानते हो कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये टिपिकल प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर भी एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। प्रोकैरियोट्स में आपको मालूम है कि माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, आर्के बैक्टीरिया भी आते हैं और यू बैक्टीरिया भी आते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो यू बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर पर रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है और आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया से। तो हम लोग आज जो फोकस करेंगे वो केवल यू बैक्टीरिया की सेल वॉल और उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। तो ये बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर बोर्ड पर ड्रॉ किया है, इसको आपको समझना है। सबसे पहले जो बाहर का जो कवर है जिसको हम सेल एनवेलप कहते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। सेल एनवेलप में आप देख रहे हैं कि तीन तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। सबसे अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, येलो कलर से जिसको हमने मार्क किया हुआ है जैसे सेल वॉल, और जो फाइनली बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप। सेल एनवेलप इन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ नंबर वन आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड इज द सेल वॉल एंड थर्ड वन इज दिस सेल मेम्ब्रेन। एक एक करके इनको समझते हैं। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है जो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, ये दो तरीके की हो सकती है, या तो ये टफ हो सकती है जैसे कि बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ये होती है, इसको बोलते हैं फिर कैप्सूल, और यदि ये स्लाइमी है, स्लिपरी है, लूज है और थिन है तो इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। कैप्सूल बना होता है पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स दोनों से, पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीसेकेराइड दोनों के कॉम्बिनेशन से, जबकि स्लाइम लेयर केवल पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। और जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उन सभी में ये कैप्सूल पाया जाता है, और इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया को एक प्रकार से होस्ट के जो डिग्रेडेटिव सब्सटेंसेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि इसकी पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर जो स्ट्रक्चर है वो है इसका सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये बड़ा करेक्टरिस्टिक इसका फीचर है, और इसके आधार पर दो तरीके के बैक्टीरिया रिकग्नाइज किए गए हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से दो तरीके के बैक्टीरिया आप लोग पढ़ते हैं, नंबर वन ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। क्रिस्टल वॉयलेट से ट्रीट किए जाने के बाद जो कलर रिटेन कर लेते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो कलर रिटेन नहीं कर पाते वॉश करने पर उनको हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। इनिशियली दोनों ही कलर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर से स्टेन लेते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव क्रिस्टल वॉयलेट से ट्रीट करने पर पिंक कलर लेते हैं, किंतु वॉश करने पर कलर इसमें से निकल जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनकी सेल वॉल में डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं और ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरीके बैक्टीरिया की सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो पॉलीमर है एनएजी प्लस NAM, NAG का फुल फॉर्म है N एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स, और नाम का जो फुल फॉर्म है वो है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो इन दोनों का इक्विमोलिक्यूलर जो पॉलीमर बनकर के आता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन। फिर समझिए इस चीज को, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, इसमें बराबर अमाउंट में इक्वल अमाउंट में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स और एन एसिटाइल म्यूरेमिक यूनिट्स रहती हैं, और ये मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, और ये किसी भी यू बैक्टीरिया का या बैक्टीरियल सेल वॉल का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। किंतु ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें आपको ये समझना है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेन होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, लगभग 70 to 80%
पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें प्रेजेंट रहता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट केवल 10-15% ही होता है। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये काफी थिक होती है कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एक थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सबसे नीचे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव में भी क्या होगा, सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हमने यहां शो किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन से ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ग्राम पॉजिटिव में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ये सब जो ऑरेंज कलर से हमने शो किया हुआ है ये सब क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स हैं, जिनका नंबर बहुत सारा हो सकता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट। तो आप देख रहे हैं ना थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये अप टू 80 nm तक हो सकती है, जबकि यहां जो थिकनेस होगी वो केवल 10 nm के आसपास रहती है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल काफी थिक होती है कंपेयर टू दी सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहां एक बात आपको और भी समझनी है कि करेक्टरिस्टिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के जस्ट ऊपर एक लिपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन और रहती है। ये लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक एडिशनल लेयर जो पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर प्रेजेंट है वो है लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन एंडोटॉक्सिन भी कहलाती है, यानी कि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहती है और पैथोजेनिसिटी कॉज करती है। ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड की जो मेम्ब्रेन है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होगी। तो इस तरीके से एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हो, वही लिपिड बाइलेयर का जो स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रहता है वही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर भी है। इसमें दो फॉस्फोलिपिड लेयर्स हैं और बीच में प्रोटीन्स रहती हैं। सिंगर निकोलसन का मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर यहां पर भी है। इसको हम डिटेल में यहां नहीं पढ़ाएंगे, किंतु ये जो सेल वॉल है ये दिस कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो सेवरल लेयर्स आपके सामने हैं। इसमें एक खास बात और भी समझनी है आपको कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर्स हैं इनमें परपेंडिकुलरली एक और केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं टिकोइक एसिड। ये जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड यहां पर प्रेजेंट है। याद आपको ये रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टिकोइक एसिड जो है ये केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा, उसकी सेल वॉल में मिलेगा, किंतु जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। तो क्या डिफरेंसेस होगा, इस डिफरेंसेस को यदि हम समराइज करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है ये काफी थिक है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है ये काफी थिन है। बीच बीच में ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी यहां पर प्रेजेंट है। दूसरी खास बात क्या है कि ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड की एक एडिशनल मेम्ब्रेन है जो सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, वैसी कोई मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट नहीं होती। और तीसरा एक और बेसिक डिफरेंस क्या है कि टिकोइक एसिड जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की सेवरल लेयर्स को बांधने का काम करता है, वो यहां प्रेजेंट है, किंतु यहां क्योंकि एक ही लेयर है इसीलिए कोई जरूरत नहीं है टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो तीनों लेयर्स हैं ये मिलकर के एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं, जिसमें सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है जो कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर के फॉर्म में हो सकता है, दूसरा सेल वॉल है और तीसरा जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। नाउ दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, येलो कलर से जो है वो सेल वॉल है, और तीसरा जो ऑरेंज कलर से है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव यूनिट बन जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि बैक्टीरिया के अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। एक बात मैं आपको यहां और बताऊं कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे ही काम करती हैं और सेल वॉल को डिसॉल्व कर देती हैं, जैसे पेंसिलिन का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हम लोगों के बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, सलाइवा में भी प्रेजेंट है, टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। यह भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को गला करके ही काम करता है। यदि बैक्टीरिया की सेल वॉल को पूरी तरह से गला दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि आपको मालूम है लिविंग पार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग होती है और अंदर का जितना मटेरियल है वो भी लिविंग है, इसीलिए बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। किंतु यदि बैक्टीरिया की सेल वॉल पार्शियली डिसॉल्व हो तो जो पूरा स्ट्रक्चर बचेगा उसको हम बोलेंगे स्फेरोप्लास्ट। तो स्फेरोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में आपको डिफरेंस याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो ये साइटोप्लाज्म में जो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे समझनी है कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब एब्सेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया यदि एब्सेंट होगी तो पावर हाउस का काम कौन करेगा, हु विल जनरेट एटीपी फॉर द बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरियल सेल लिविंग है और लिविंग को एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी तो जनरेट होनी है। तो जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है वही काम बैक्टीरिया के अंदर कौन करता है, ये जो इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की, इनको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। एक मीजोजोम यहां पर भी शो किया गया है। तो ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये अंदर की तरफ फोल्ड करके बेसिकली करते क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं मेम्ब्रेन का, और इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो आप कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ये स्ट्रक्चर सिमिलर है और वही काम करता है जो इनर मेम्ब्रेन करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और इस तरीके से यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो मीजोजोम्स को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि मीजोजोम्स क्या होते हैं, ये एटीपी प्रोडक्शन से कंसर्न स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद आप येलो कलर की जो डॉट्स देख रहे हैं, ये जो येलो कलर की डॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। आप सबको मालूम है राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर द सीट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन यहां पर होता है, अमीनो एसिड्स को जोड़ करके हम लोग प्रोटीन बनाते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एमआरएनए मॉलिक्यूल। तो राइबोसोम्स जो होते हैं यूकैरियोट में तो 80s टाइप के होते हैं, आप सब जानते हो। तो प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे बैक्टीरिया के अंदर, 70s टाइप के, जहां एस बराबर होता है स्वेडबर्ग यूनिट, कॉमनली इसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशियंट भी बोल देते हैं। तो ये 70s राइबोसोम्स जो है ये दो यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, लार्ज और स्मॉल। जो लार्जर यूनिट है दैट इज 50s, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशियंट 50 है इसीलिए इसको 50s बोलते हैं, और जो स्मॉलर यूनिट है वो कहलाती है 30s। तो आप लोगों को ये याद रखना है, यूकैरियोट में यहां पर 60s और 40s हुआ करता था और टोटल जो राइबोसोम होता था वो 80s हुआ करता है, किंतु प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया के अंदर ये 50 और 30s में होंगे। आपको ये भी पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये किससे बनते हैं, प्रोटीन प्लस आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए से। तो बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर तीन तरीके का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, 5s आरआरएनए, सेकंड वन इज 16s आरआरएनए एंड 23s आरआरएनए। तो आपको याद रखना है कि जो लार्जर यूनिट है इसमें कौन सा मिलेगा, 5s और 23s आरआरएनए, जबकि जो स्मॉलर यूनिट है 30s इसमें मिलेगा आपको 16s आरआरएनए। तो इस तरीके से आप लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा डेटा याद रखेंगे और इसको बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे। अब हम लोग समझते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल। देखिए बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो इसीलिए कोई न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है दैट लाइज विद इन द साइटोप्लाज्म, और वो रीजन जहां पर ये प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड रीजन। तो
लगभग सभी बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल है, किंतु कैसा है, सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया में लीनियर डीएनए भी रिकॉर्ड किया गया है, किंतु मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में ये कैसा होता है, सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल है, जो कि कैसा होता है, नेकेड। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं। आप सभी को मालूम है कि हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को बाइंड करने का काम करती हैं और न्यूक्लियोलस जैसा स्ट्रक्चर बना, ये सॉरी न्यूक्लियोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो वैसा कोई न्यूक्लियोसोम जैसा स्ट्रक्चर या हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस बैक्टीरियल सेल में नहीं होती, किंतु फिर भी डीएनए हाईली सुपरकॉइल्ड कंडीशन में प्रेजेंट रहता है और इसके पास वो सारे जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाने में और उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। यानी कि कहें कि क्रोमोसोम कितने होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है तो आप लोगों को यही बोलना है कि बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। यहां पर आप एक और देख रहे हैं कि यह भी एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, क्योंकि यह मेन डीएनए से डिफरेंट है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि वो डीएनए जो अलग है मेन डीएनए से, तो इसका काम क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसके अंदर बैक्टीरिया की लाइफ को बनाने की, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए या उसके स्ट्रक्चर को बनाने वाली कोई जीन प्रेजेंट नहीं होती। बेसिकली प्लाज्मिड का काम जो होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है। इसके पास वो जीन्स होती हैं जो एंटीबायोटिक से ये फाइट करने में बैक्टीरिया की हेल्प करती हैं। कई बार इसमें फर्टिलिटी फैक्टर भी प्रेजेंट रहता है जिसके द्वारा प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझनी है। इसके बाद आप यहां पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दो तरीके के हैं, एक बड़े साइज में और एक छोटे साइज में। इनको हम बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं इनको, पिलाई। जो छोटे पिलाई हैं, शॉर्टर पिलाई हैं, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। और ये बैक्टीरियल सेल को दूसरी बैक्टीरियल सेल से या बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच करने में मदद करते हैं। इनका और कोई दूसरा फंक्शन नहीं होता। किंतु बड़े वाले जो पिलाई है इनको हम बोलते हैं एफ पिलाई या सेक्स पिलाई। अकेला है इसीलिए हम इसको सिंगुलर को बोलेंगे पिलस। और इस पिलस के द्वारा एक दूसरे बैक्टीरिया के साथ, एक दूसरे बैक्टीरियम के साथ एक साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो सकता है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डेवलप किया जा सकता है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए ये रिप्रोडक्शन में या कॉन्जुगेशन में हमें मदद करते हैं, इसीलिए इनको एफ प्लस या सेक्स प्लस भी बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फ्लैजिलम भी प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कोई फ्लैजिलम प्रेजेंट ना हो, और बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लैजिला, पूरी सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो यहां केवल एक फ्लैजिलम के द्वारा हमने समझाने की आपको कोशिश की है। तो ये जो फ्लैजिलम है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो ये रिंग्स जो होती हैं, तो ग्राम नेगेटिव में जनरली देर आर फोर रिंग्स और ग्राम पॉजिटिव में दो रिंग्स पाई जाती हैं जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में यहां पर प्रेजेंट होती हैं, और इनसे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है और हुक लाइक स्ट्रक्चर से ये इसका फिलामेंट लटका हुआ रहता है जो कि बैक्टीरियल सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करने की में हेल्प करता है। फ्लैजिलम को यदि हम इस तरह से काट करके देखें तो इसमें माइक्रोटिब्यूल का 9+0 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यह भी प्रोकैरियोटिक फीचर है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो माइक्रोटिब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है, किंतु प्रोकैरियोटिक सेल्स में या बैक्टीरियल सेल्स में ये जो अरेंजमेंट है माइक्रोटिब्यूल्स का वो 9+0 है। पेरिफेरी में 9 आपको माइक्रोटिब्यूलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि सेंटर में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसको 9+0 का अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की सेल जो है उसका ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है, बार बार इसको रीड करना है, और जितना भी डेटा है इसका पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू सेल वॉल वो सब आप लोग अच्छे से समझना है और याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से अगले वीडियोस भी आप लोग देखते रहिए।
और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।